कॉन्ट्रेक्शन मीन्स जब यूट्राइन में यूट्रस कैविटी में कॉन्ट्रेक्शंस में कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है तो उसको हम एबनॉर्मल यूट्राइन एक्शन कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस कैसे होते हैं, यू कैन सी इन दिस डायग्राफ, दिस इज द नॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस। सी एरो देख रहे हो आप यहाँ पर, तो एरो में आप देख सकते हो ये नॉर्मल कॉन्ट्रेक्शंस है। ठीक है, मतलब एक ड्यूरेशन जिन दोनों के बीच का इंटरवेल है वो सेम है। ठीक है, सो हेयर यू कैन सी फ्रिक्वेंसी 1 in every 2 to 3 minutes। ठीक है, जो बार बार जो कॉन्ट्रेक्शंस आ रहा है इन दोनों में वो 2 to 3 minutes में राइज हो रहे हैं विद एटलीस्ट 1 minute इंटरवल। ठीक है, 2-3 minute बाद आ रहे हैं, फिर एक कॉन्ट्रेक्शन राइज हुआ 1 minute तक, जैसे कॉन्ट्रेक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, फिर कॉन्ट्रेक्शन हुआ। ठीक है, तो ये 1 minute का इंटरवल है इन दोनों के बीच में, कॉन्ट्रेक्शंस के बीच में। इंटेंसिटी कैसी है इसकी, स्ट्रांग है। आप ग्राफ से देख सकते हो कितना स्ट्रांगली वो अपर ऊपर जो एक्सेलरेट हुआ है, एक्सेलरेशन मीन्स होता है अपर मतलब गोज टू व्हेन ग्राफ इज गोइंग टू, या फिर जो लाइन है इट विल बी गो टू अपसाइड। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रांगली है, मीन्स मोर देन 50 mmHg। एंड ड्यूरेशन जो इन कॉन्ट्रेक्शंस का होता है, जो ये लाइन है, ये वाली लाइन है 40 to 50 seconds, जो इन कॉन्ट्रेक्शंस का जो ड्यूरेशन होता है, जो ये कॉन्ट्रेक्शन राइज हुआ है इसका जो ड्यूरेशन है दैट इज 45 to 60 seconds, दैट इज द नॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन। सो दिस इज द डायग्राम। ठीक है, जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी और टॉपर ट्रांसड्यूसर हम पेशेंट में लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वहां पर आप देख सकते हो ड्यूरेशन ये होता है। ठीक है, ड्यूरेशन वैसे काउंट करते हैं एंड फ्रिक्वेंसी देखते हैं हम। ठीक है, प्राइम कॉन्ट्रेक्शन की ऑनसेट टू फ्रॉम ऑनसेट टू ऑनसेट। ठीक है, जो उसका ऑनसेट टाइम जो कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हुआ है वहां पर हम देखते हैं। ठीक है, देन उसके बाद इंट्रा यूट्राइन रेस्टिंग जोन। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रेक्शन राइज हुआ देन रिलैक्सेशन। ठीक है, और इंटेंसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, यहां से और यहां पे कितना स्ट्रांग, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, यू कैन सी इन दिस डायग्राम जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब कितना स्ट्रांगली है, जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही हम उसको बोलेंगे इतना इंटेंसिटी है, इसकी तीव्रता कितनी है इस जो है, तो दैट इज द 50 mmHg। ठीक है, और जो ड्यूरेशन होता है उसको हम यहाँ से यहाँ तक काउंट करते हैं कि कितना ड्यूरेशन है, दैट इज 45 to 60 seconds हम जब इसको काउंट करते हैं। ठीक है, सो दीज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रेक्शन, नॉर्मल कॉन्ट्रेक्शन के हम बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो फीटल हार्ट रेट है, इन्होंने फीटल हार्ट रेट का बीट पर मिनट, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो आप स्पायरल इलेक्ट्रोड के थ्रू, इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी में जब आता है तो ऐसे आता है। ठीक है, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे, दैट इज 30, 60, 90, 30 का गैप हम लेके चलते हैं, 30, 60, 90, 120। ठीक है, FHR 140 है, दैट इज नॉर्मल। ठीक है, सो दीज ऑल अबाउट द नॉर्मल। दिस इज द ऑल्सो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस। ठीक है, ये टोपोग्राफी से आ रहा है, और इसमें इस वाले ग्राफ में आप देखो कि यहां से यहां तक, जहां पे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो ग्राफ है अगर यहां पे आ रहा है, ठीक है, इन दिस डायग्राम आई विल शो यू, लाइक दिस इज इंटरनल मॉनिटरिंग एंड दिस इज एक्सटर्नल मॉनिटरिंग। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी, अगर ये ग्राफ यहां आ रहा है तो इट मीन्स बेबी की हार्ट बीट कितना हो रहा है, 90। ठीक है, 90 बीट पर मिनट, इट मीन्स जो फीटर्स है वो क्या, इट मे बी गोइंग टू बी फीटर डिस्ट्रेस। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, हम ऐसे फीटर हार्ट रेट को, तो सेम यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पे भी है कॉन्ट्रेक्शंस। सो इंट्रोडक्शन, नॉर्मल लीवर इज कैरेक्टराइज बाय कोऑर्डिनेटेड यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन एसोसिएटेड विद प्रोग्रेसिव डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स एंड डिसेंट ऑफ द फीटल हेड। ठीक है, जो नॉर्मल लीवर होता है उसको कैरेक्टराइज जब हम करते हैं, अगर जो भी कॉन्ट्रेक्शंस हैं दैट इज द मतलब नॉर्मली जो कोऑर्डिनेट में आ रहा है, ये नहीं कि अभी आया फिर 10 मिनट्स बाद आया फिर जो दूसरा कॉन्ट्रेक्शन है 15 मिनट्स बाद आया, मीन्स इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए। और साथ में जैसे जैसे कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं वैसे ही डायलिटेशन भी क्या करता है, प्रोग्रेस होता है। ठीक है, और फीटल का हैंड भी उसी अकॉर्डिंग होकर डिसेंट होना शुरू कर देता है, दैट इज द नॉर्मल क्राइटेरिया। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेटेड यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन होनी चाहिए, सेकंड प्रोग्रेसिव जो कॉन्ट्रेक्शन है तो डायलिटेशन भी होना चाहिए, एंड द डिसेंट ऑफ द फीटल है। सो नेक्स्ट, एनी डिविशन ऑफ द नॉर्मल पैटर्न ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन अफेक्टिंग द कोर्स ऑफ लेबर इज डिजिग्नेटेड एज डिसऑर्डर ऑन एबनॉर्मल यूट्राइन एक्शन। ठीक है, अगर इन क्राइटेरिया में कोई भी एबनॉर्मल डिविशन आता है तो उस कंडीशन को हम एबनॉर्मल यूट्राइन एक्शन कहते हैं। सो एबनॉर्मल यूट्राइन एक्शन, नॉर्मल जो पोलारिटी होती है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लिवर पढ़ी होगी, उसमें पोलारिटी क्या होती है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। सो हाइपरटॉनिक डिसफंक्शन
हो जाता है, मीन्स जो कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं दैट इज एक्सेसिव कॉन्ट्रेक्शन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। पोलैरिटी मतलब होता है एक न्यूरोमस्कुलर हार्मोनी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है टू सेगमेंट के बीच में, ठीक है। मीन्स जो काम जो अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट जो वर्क करते हैं तो वो हार्मोनियसली करेंगे, कि अपर सेगमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो लोअर सेगमेंट क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। तो ये न्यूरोमस्कुलर ये कि जो भी ब्रेन को जो पेशेंट होता है, वुमेन होता है, प्रेगनेंट होता है, तो उसके ब्रेन को जो सिग्नल्स मिल रहे होते हैं, ठीक है, जो यूट्रस के रिगार्डिंग जो न्यूरोस होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। तो वहीं पर ये भी नॉर्मल पोलैरिटी को मेंटेन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। सो हाइपरटोनिक डिसफंक्शन अगर होता है नॉर्मल पोलैरिटी के अंदर, दैट इज एक्सेसिव अगर कॉन्ट्रेक्शन आते हैं, सो उसके अंदर भी दो पॉइंट्स है, दैट इज नॉन ऑब्स्ट्रक्शन एंड ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट। जो नो ऑब्स्ट्रक्शन है दैट इज प्रेसिपिटेट लेबर हाइपरटोनिक यूट्रस, क्योंकि अगर पेशेंट को प्रेसिपिटेट लेबर होता है मीन्स 2 आवर्स और 3 आवर्स का लेबर होता है, ठीक है, उसमें हाइपरटोनिक यूट्रस होता है, मीन्स जो यूट्रस होता है बहुत फास्टली क्या करता है कॉन्ट्रेक्शन करना शुरू कर देता है, उस केसेस में एबनॉर्मल यूट्राइनेक्शन हो सकता है। सेकेंड है ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट। ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट में क्या होता है, टोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन एंड रिट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर जो होता है यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन एंड रिट्रैक्शन मीन्स एक बैंडल स्ट्रिंग डेवलप हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। सो हाइपरटोनिक डिसफंक्शन अगर हो रहा है मतलब जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं यूट्राइन इनर्शिया भी कहते हैं। सो एबनॉर्मल पोलैरिटी, ये तो नॉर्मल पोलैरिटी था, ठीक है, कि नॉर्मली होता है क्योंकि प्रेसिपिटेट भी नॉर्मल में कंसिडर करते हैं, डिलीवरी हो जाती है नॉर्मली। सो एबनॉर्मल में आता है आपका स्पास्टिक लोअर सेगमेंट, हम सिक्वेंस वाइज हम वी विल स्टडी, एंड द कॉलिक यूट्रस, असिमेट्रिकल यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन, कंस्ट्रिक्शन रिंग, जनरलाइज टोनिक कॉन्ट्रेक्शन, सर्वाइकल डिस्टोसिया, ठीक है। दीज आर द इन इफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन है, ठीक है। ये क्या कैसे कॉन्ट्रेक्शन, इन इफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन होते हैं ये। सो इटियोलॉजी, as the physiology of uterine contraction is not fully understood, the cause of its disordered action remains obscure, ठीक है। जो physiology होती है not fully मतलब जो इसके एक तरफ से हम कह सकते हैं कि exact unknown होता है, जो causes होते हैं वो क्या है unknown है, but जो associated some factors होते हैं so we will study like prevalent in first especially with elderly primary gravida, अगर primary gravida है elderly है, ठीक है, फर्स्ट बार डिलीवर करी उस केसेस में हो सकता है एबनॉर्मल यूट्राइनेक्शन, प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी है, ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस है, ठीक है, और इन दिस भी ट्विंस है और फिब्रॉइड है, तो उस केसेस में इमोशनल फैक्टर, अगर मदर बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देती है इन दैट केस ऑल्सो, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर लाइक ओबिसिटी, कॉन्ट्रेक्टेड पेल्विस एंड मालप्रेजेंटेशन केसेस में, इनजुडिशियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेडेटिव्स अगर हम देते हैं ज्यादा, एंड एनाल्जेसिक्स अगर हम देते हैं, ऑक्सीटोसिस हम देते हैं, तो उस केसेस में भी एबडोमिनल ट्रैनेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम प्री मेच्योरली अगर अटैम्प्ट करते हैं विजाइनल डिलीवरी, वो भी हम करते हैं इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के साथ अंडर द लाइट एनेस्थीसिया, सो देयर इज द चांसेस ऑफ द एबनॉर्मल यूट्राइन एक्शन।